हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा क्लास किसी एक सिंगल क्लास में हम लोग इनहेरिट करते हैं। ओके लाइक यहाँ पे अगर जैसे मैं बताऊँ तो ये क्लास है, मान लो क्लास ए है, ठीक है, क्लास बी है और क्लास सी है, ठीक है, और क्लास डी है। अगर ए को, बी को और सी को, ओके, अरे अरे सॉरी सॉरी, उल्टा डायग्राम बन गया थोड़ा, ठीक है, इसको करते हैं क्लियर। ठीक है, जैसे क्लास ए है, ठीक है, क्लास बी में, सी में और डी में, ठीक है, किसी एक क्लास को हम लोग मल्टीपल क्लासेस में क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। ठीक है, क्लास ए जो है इनहेरिट हुआ है बी में, क्लास ए जो है इनहेरिट हुआ है सी में, क्लास ए जो है इनहेरिट हुआ है डी में। अगर हम लोग एक सिंगल क्लास को मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लास एनिमल है और इसके अंदर हम लोग ने एक मेथड बनाया ईट, ईट हम लोग ने एक मेथड बनाया। अब यहाँ पे इस ईट मेथड में हमने प्रिंट किया है ईटिंग, ईटिंग हमने प्रिंट कर दिया। सेकंड हम लोग ने यहाँ पे बनाया है डॉग, इसमें एक्सटेंड किसको किया है, एनिमल को किया है, मतलब ये वाले क्लास को किया है। और यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया बार्क, जिसमें हमने प्रिंट कर दिया बार्किंग, बार्किंग हमने प्रिंट कर दिया। ओके, देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक और क्लास बनाया कैट, और इसमें भी एक्सटेंड किसको कर दिया, इस एनिमल को भी कर दिया, डॉग में भी किया हमने, कैट में भी किया। ओके, इसमें एक और हम लोग मियाओ नाम का बनाए और यहाँ पे मियाओइंग ऐसे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ओके, देन इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट इनहेरिटेंस हम लोग की क्लास ले लिए, उसके बाद हम लोग इसमें मेन मेथड लिए, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने कैट का ऑब्जेक्ट बनाया, कैट का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब कैट जो है वो ये मियाओ नाम का जो मेथड है वो भी होल्ड करके रखेगा और साथ में ईट को भी होल्ड करके रखेगा। डॉग अलग हो गया, ये जो है ये अलग हो गया, ठीक है, ईट और मियाओ। हम लोग ने बनाया कैट का ऑब्जेक्ट, कैट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो कैट जो है एनिमल को इनहेरिट किया, एनिमल के पास कौन सा मेथड है, ईट मेथड है। ईट मेथड क्या करेगा, यहां पे भी आ जाएगा, ठीक है, ई ए टी ईट। ओके, ईट जो है वो एक्सेस होगा कैट के अंदर भी और म्याओ भी होगा दोनों। तो यहां पे हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा, म्याओइंग और ईटिंग, ये दो हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक और न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस हम लोग करके देखते हैं, ठीक है।
मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, क्लास लेता हूँ एम्प्लॉय, एक और क्लास लेता हूँ प्रोग्रामर, एक और क्लास लेता हूँ डेमो एम्प्लॉय, ठीक है, तीन क्लास मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ एम्प्लॉय के अंदर में। सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ डेमो एम्प्लॉय के नाम से, इसको मैं कर देता हूँ सेव। डेमो एम्प्लॉय डॉट जावा से मैंने इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मेथड बनाता हूँ वॉइड, वॉइड सैलरी, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, डबल कोट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे सैलरी इज 50,000, इस टाइप का हम लोग ने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ प्रोग्रामर में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक और मेथड बनाते हैं वॉइड बोनस, और इसके अंदर भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं तो बोनस इज 10,000, हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, अब हम लोग इस एम्प्लॉय को इनहेरिट करेंगे इस प्रोग्रामर में। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, तो यहाँ पे void salary जो है वो अब इसके अंदर भी accessible होगा, किसके अंदर, programmer class के अंदर। मतलब programmer class का अगर मैं object बनाता हूँ तो मैं उसको access कर सकता हूँ। public static void main यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामर का बनाते हैं P1 इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर, हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया और P1 डॉट मैं करता हूँ सैलरी को कॉल, तो हम लोग ने सैलरी मेथड को कॉल कर दिया है और यहाँ P1 डॉट बोनस, बोनस को भी हमने कॉल कर दिया। अब इसको हम लोग करते हैं रन, हम चलते हैं कमांड पे और हम लोग इसको कर देते हैं रन। यहाँ पे करते हैं cd backslash e cd java bca3, यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जावा सी डेमो एम्प्लॉय डॉट जावा, यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम लोग रन करेंगे, रन करने के लिए हम लोग देंगे जावा डेमो एम्प्लॉय, कि यहाँ पे आउटपुट में हम लोग को सैलरी और बोनस दोनों यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो आउटपुट कुछ इस प्रकार का हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो सैलरी इज 50,000, बोनस इज 10,000। ओके,
इस टेस्टर क्लास में मैंने एक मेथड बनाया, वॉइड टेस्टिंग कॉस्ट। यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे हमने दिया और इसके अंदर मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, टेस्टिंग कॉस्ट इज 40,000। इस प्रकार से मैंने दे दिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने इस एम्प्लॉय को एक्सटेंड किया इस प्रोग्रामर में। अब इस प्रोग्रामर को मैं एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड्स प्रोग्रामर, सैलरी को सबसे पहले एक्सटेंड किया हमने प्रोग्रामर में, प्रोग्रामर को एक्सटेंड किए टेस्टर में। ठीक है, तो सैलरी, बोनस और टेस्टिंग कॉस्ट तीनों के तीनों अवेलेबल किस में होगा, इस टेस्टर क्लास में अवेलेबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, टेस्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्टर T1 इक्वल टू न्यू टेस्टर, और यहाँ पे तीनों को कॉल कर देंगे, T1 डॉट सैलरी, T1 डॉट बोनस, T1 डॉट टेस्टिंग कॉस्ट। इस टाइप से हम लोग ने तीनों को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं और हम लोग इसको फिर से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तीनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हम लोग ने एक क्लास बनाया, उस क्लास को दूसरे क्लास में एक्सटेंड किया, फिर तीसरा क्लास बनाया और सेकंड वाले क्लास को उसमें एक्सटेंड कर दिया। तो इस टाइप का एक चेनिंग यहाँ पे क्रिएट की गई और सब में एक एक हमने मेथड बनाया, सैलरी, बोनस और टेस्टिंग। टेस्टर क्लास में सैलरी, बोनस और टेस्टिंग कॉस्ट तीनों को तीनों एक्सेस हो सकते हैं। हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेस्टर क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसी से हम लोग ने तीनों को एक्सेस किया है। तो ये था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। सबसे पहले मैंने एक क्लास ले लिया एम्प्लॉय, ठीक है, सेकंड क्लास है हमारे पास प्रोग्रामर, थर्ड क्लास है हमारे पास टेस्टर। ठीक है, अब प्रोग्रामर में हमने एम्प्लॉय को इनहेरिट कर दिया, ठीक है, टेस्टर में भी हम लोग किसको इनहेरिट कर देंगे, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को हमने इनहेरिट कर दिया। ठीक है, मतलब प्रोग्रामर में और टेस्टर में दोनों में हम लोग ने एम्प्लॉय को इनहेरिट कर दिया है। एम्प्लॉय के पास एक मेथड है सैलरी, प्रोग्रामर के पास एक मेथड है बोनस, टेस्टर के पास है एक टेस्टिंग कॉस्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी प्रोग्रामर और टेस्टर दोनों का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले एक मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ। या फिर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में इसको कर देते हैं। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सबसे पहले प्रोग्रामर का, प्रोग्रामर P1 इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे मैं एक प्रिंट करता हूँ, फ्रॉम प्रोग्रामर क्लास मेथड्स, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। और प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट से, जो प्रोग्रामर का हमने P1 ऑब्जेक्ट बनाया है, उससे हम लोग कॉल करेंगे सैलरी को और P1 डॉट बोनस को। हम लोग यहाँ पे दो ही मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, टेस्टिंग कॉस्ट को हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो अलग है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेस्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्टर
T1 इक्वल टू न्यू टेस्टर, इस टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टेस्टर क्लास मेथड्स, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग T1 डॉट सैलरी, T1 डॉट टेस्टिंग कॉस्ट, यहाँ पे हम लोग इस दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हम लोग का एक प्रोग्राम बन गया जिसमें हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिए। और हम लोग आते हैं यहाँ पे और इसको रन करके देखते हैं, जावा सी एम्प्लॉय डेमो एम्प्लॉय, और यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रोग्रामर क्लास मेथड, यहाँ पे सैलरी और बोनस को हम लोग ने एक्सेस किया, टेस्टर क्लास में सैलरी और टेस्टिंग कॉस्ट को एक्सेस किया है। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ P1 डॉट टेस्टिंग कॉस्ट, इस टाइप से मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं इसको कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइल करते समय एक एरर दिखाएगा हम लोग को, एरर ये दिखाएगा कैन नॉट फाइंड सिंबॉल P1 डॉट टेस्टिंग कॉस्ट। टेस्टिंग कॉस्ट का हम लोग ने इस पोजीशन पे मतलब यहाँ पे जब एग्जीक्यूट होगा तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा, तो हम लोग ने इसको नहीं बनाया, मतलब P1 के पास एक्सेस नहीं है इस टेस्टिंग कॉस्ट का, P1 के पास एक्सेस नहीं है क्योंकि मतलब उसको इनहेरिट किया ही नहीं है उसने, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग ने हायरार्किकल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया।